और सबसे पहले बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। आज पेश होगा देश का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। सुबह 10:15 का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक होगी और देखिए कैबिनेट की बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। और 11 बजे का वक्त याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण देश का बजट देश के सामने रखने वाली है। तो आज बहुत अहम दिन, 11 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और 10:15 का वक्त है कैबिनेट की आखिरी मुहर लगेगी, अंतिम मुहर लगेगी बजट पर और उसके बाद आपका हम सबका बजट हमारे सामने आ जाएगा। तो सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, उनके बही खाते पर और उनके पिटारे से क्या कुछ निकलने वाला है। आज टकटकी लगा करके पूरा हिंदुस्तान देख रहा है किसको राहत मिलेगी, किस सेक्टर को कितनी राहत पहुंचाई जाएगी, किसको खुशी मिलेगी। उम्मीदें जो लगा करके लोग बैठे हुए हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाला ये मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट होगा भी या नहीं, मिडिल क्लास को क्या उम्मीद है, उनके लिए क्या बदलने वाला है, ये देखिए अपने पिटारे के साथ ये पहुंची हुई हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में। उनकी मौजूदगी बजट टीम के साथ उनकी तस्वीर भी आएगी थोड़ी देर के बाद। ये भीतर जाते हुए उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हमेशा की तरह ये 5वीं दफा है जब वो देश के सामने बजट रखने वाली हैं और इसी तरीके से जो परंपरा रहती है पूरी उसी प्रक्रिया को उसी परंपरा को फॉलो करते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहुंची हुई है निर्मला सीतारमण, बजट पेश करेंगे 11 बजे। उससे पहले ये तस्वीर है वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ वो भीतर प्रवेश करती हुई तस्वीर सीधी आप देख पा रहे हैं। और 10:15 कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें कैबिनेट की मुहर लगाई जाएगी, उसके बाद 11 बजे देश के सामने देश का बजट आएगा। उससे पहले ये तस्वीर, हर एक तस्वीर पर यकीन मानिए सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। जिस हिस्से से तस्वीर सामने आएगी वो हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, बजट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। वित्त मंत्री की यह तस्वीर, इस वक्त वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ में उनकी चर्चा या आखिरी दौर की वार्ता, आखिरी दौर की चर्चा। फोटो सेशन भी यहां पर होगा थोड़ी देर के बाद, जब यहां से बाहर निकलेंगे तो फोटो सेशन भी होगा। किस सेक्टर को क्या मिलने वाला है, किस सेक्टर को कितना साधा जाएगा, किस पर कितना जोर होगा, किस पर कितना फोकस होगा सरकार का। देखिए 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और 2024 के आम चुनाव, इससे पहले ये पूर्ण बजट सरकार का बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, हर एक सेक्टर को साधने की, हर एक सेक्टर को कम से कम खुश नहीं तो राहत पहुंचाने की। और इसका असर 2024 के आम चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। बजट में क्या कुछ खास होगा इसी पर लगातार नजर है। 23 क्षेत्र पर फोकस सरकार का रह सकता है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन से सेक्टर हैं, वो भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। सबसे बड़ा ये बजट है मोदी सरकार का और सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देखेंगे बीपी गंगा पर। 10:15 का वक्त कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की मुहर लगेगी, उससे पहले तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वित्त मंत्री की, वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देख लीजिए आप, 11 बजे निर्मला सीतारमण का बजट भाषण जब शुरू होगा तो सारा का सारा जो लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं उन उम्मीदों का पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के सामने बजट रखेंगी, उससे पहले की हर एक तस्वीर, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है, डिफेंस सेक्टर को क्या कुछ मिलेगा, हेल्थ सेक्टर को क्या कुछ मिलेगा, होम लोन में कितनी रियायत मिलेगी, रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिलने वाला है, इसके अलावा किसानों के लिए क्या कुछ होगा इस पर भी लगातार नजर। युवाओं को बेताशा उम्मीदें हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बेहतर मौके इस बार मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, बेहतर अवसर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। इकोनॉमी को बूस्ट करना सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसको पटरी पर लाने की लगातार कोशिश की जा रही है, इस पर सरकार कितना ध्यान देती है। और बजट पर हर एक वर्ग का ध्यान किस तरीके से रखा गया है ये अपने आप में है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।